Yes. शमशेर भाई साहब आप, लेकिन आपने ये पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले। हथकड़ी के मुंह वाली औरत। आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहोगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है। सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना मोटी आलसी औरत। अच्छा एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे? उन्होंने क्या किया, कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना, तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है कोई रिश्तेदार नहीं कार ले ले कितनी जलन होती है, लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ उसका शीशा तोड़ दो। देखिए आपको ऐसे ही काम करने हैं तो अपने घर में जाके कीजिए, ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड, चलो जाके उतर आपको वर्दी पहनो। चलो मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती। चलो दफा जाओ, उधर जाओ तुम्हारी वर्दी पड़ी है, उधर चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना, तो मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। अच्छा मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान कितनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? एक सेकंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं। इधर खबरदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो? कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उसे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। सुनिए मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी, आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना, फटाफट। ओके प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल, मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? नहीं पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी ली, मामला कहीं चिल्ड उठना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, एक्चुअली क्या मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो आइए बैठिए बैठिए बैठिए, कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा बाहुबली देखने गए थे, तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की, बैठिए ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा शो हाउसफुल था? हाँ। ओके कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है? अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा फिर कहाँ किस बात का। अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है।
लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लाना था तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ? जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो? बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। वही तो कब करोगे? जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होएगा, दो पैसे कमाएगा, और ये देखो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे? पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे? काम क्यों नहीं करते जाके, आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो? आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। कत्तार! एक मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हो? बेवकूफ, ऐसे कर थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। एक सेंट, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेंट, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। खबरदार, हमारे हवलदार से कुछ नहीं। अरे अरे, पैसे क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो। अरे अरे सर, चलो अंदर, चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में। चलो लीजिए। देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ, बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए, एक बहुत सयाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी, यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या, चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या, चिकाई? हाँ, चिकाई चिकाई, यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए, बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जे लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो, एक थाली। ये देखिए, ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ। ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं? हाँ। बंदूक बंदूक है, ये सब पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई। जी हम का करें, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब, जी अगर एक चिल्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स